राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को राम कथा चल रही थी, लेकिन अचानक हुई बारिश और तूफान आने से पंडाल गिर गया। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 45 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब पंडाल के नीचे काफी संख्या में लोग मौजूद थे और रामकथा चल रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से पंडाल में करंट भी फैल गया था। जब पंडाल गिरा उस समय भगदड़ मच गई। बारिश के चलते पंडाल के आसपास काफी कीचड़ हो गया। फिलहाल राहत बचाव तेजी से जारी है। पंडाल में अभी कई लोगों के दबे जाने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को पंडाल के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लोगों की मौत दम घुटने और करंट लगने से हुई है। इस पूरी घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में टेंट गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राजस्थान के बाड़मेर में पंडाल गिरने की घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। जोधपुर के डीसी इस घटना की जांच करेंगे। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।